यहाँ भी दारू मुर्गा चलाए वाला है? नहीं, हमने कोई ग्राम सभा में दारू मुर्गा नहीं चलाया। यही हमसे काले ही पड़ जाए। कमीशन चलता है, 10% आवास के लिए कमीशन प्रधान ले लेता है। लड़ाई कर लिए तो उसमें कह दें कि आप चलिए थाने पे, आप चलिए थाने पे। अगर लड़ाने की मानसिकता, ग्राम प्रधान तो हैं ही, लेकिन हम ग्राम सभा में एक सेवक के रूप में, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी भी प्रकार के यहाँ रास्ता नहीं था। यहाँ पे चार चक्का गाड़ी जो है। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAW 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम हैं जौनपुर, और जौनपुर का एक ब्लॉक पड़ता है मुगरा बादशाहपुर, और मुगरा बादशाहपुर के एक गांव में हम हैं। ये गांव जखनिया पड़ता है, और आपको मैं बता दूं, संभवतः ये प्रदेश का इकलौता ऐसा गांव होगा जहां पर आज़ादी तक, आज से देश जब से आज़ाद हुआ तक, 200 घरों को आने जाने के लिए रास्ते नहीं थे, और यहाँ के प्रधान ने आज उस मिथक को तोड़ करके रास्ता बनाने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है, और जनपद के जिला अधिकारी जो हैं उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम सभा में नवाजे हुए हैं। तो देखिए, ये ग्राम सभा है, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इधर से ये रास्ता है और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सब बस्तियां हैं, देख लीजिए। हमारे साथ ये प्रधान जी भी हैं और तमाम यहाँ के लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। और प्रधान जी, RAW 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुना हूँ आपने आज तक जो यहाँ पर रास्ते आने जाने के लिए नहीं थे जी, आपने रास्ता बना दिया इन लोगों के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी भी प्रकार के यहाँ रास्ता नहीं था। यहाँ पे चार चक्का गाड़ी जो है आना संभव ही नहीं था। बहन बेटियों की शादी होती थी, लोग रोड पे ले जाते थे बेटी को बैठाने के लिए। कोई बीमार होता था, एम्बुलेंस नहीं आता था यहाँ पे। तो हमने यहाँ के बस्ती लोगों को सबको यहाँ पे बैठक किया, बैठक करके सबको सर्वसम्मति करके यहाँ पे नया रास्ता निकाला गया है, जिससे कि हमारे ये सब भाई लोग खड़े हैं, आवागमन हो सके सुचारू रूप से, इसके लिए यहाँ प्रयास किया गया। भैया देखिए, प्रधान जी ने ये कहा है, लेकिन मुझे ये आश्चर्यचकित लगता है और लग भी रहा है, क्योंकि ऐसे बिरले बहुत सारे कम ही लोग मिलते हैं विकास करने वाले। अधिकांशतः लोग को देखा होगा आपने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे BDO हो, हर जगह कमीशन चलता है, और जब चुनाव का समय आता है तो दारू चलता है, मुर्गा चलता है, और चुनाव प्रधान जी लोग जीतने के बाद किसी का भैया आता पता नहीं चलता है। लेकिन ये प्रधान जी ने ऐसा कर दिखाया। आपने कैसे चुनाव जीत गया? आप भी दारू मुर्गा चलाए वाला थे? नहीं, हमने कोई ग्राम सभा में दारू मुर्गा नहीं चलाया था। हाँ। लोगों को जागरूक किया। अच्छा, जागरूक किया, जागरूक किए कि जो भी काम ग्राम सभा में वंचित रह गया है, जहाँ पे रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, पेंशन नहीं योजना आ रही है, उस पे हम काम करेंगे। लोगों ने भरोसा जताया, हमको उस पद पे सुशोभित किया। तो हम एक ग्राम प्रधान तो हैं ही, लेकिन हम ग्राम सभा में एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि अगर प्रधानी जीतने के बाद अगर ग्राम प्रधान अपने आप को राजा समझेगा तो वहाँ विकास संभव नहीं है। तो मैं इस ग्राम सभा का सेवक हूँ, और सदैव जब तक इस पद पर हूँ सेवा करता रहूँगा। पद से हटने के बाद भी जिस लायक हूँ मैं सदैव तत्पर रहूँगा। भैया देखिए, प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया, मेरे लिए वो शब्द कम पड़ रहे हैं, और संभवतः सही है, ऐसी बात नहीं है। जिस शख्स को अगर DM सम्मानित कर रहे हैं, और गांव के तमाम लोग हैं, और उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? जी सर, भोला शंकर पटेल। भोला शंकर पटेल जी, ये बताइए, प्रधान जी ने जो काम किया है सच में इन्होंने, मतलब आज आज़ादी के बाद इस तरह से आप लोगों के यहाँ रास्ता जी, नहीं था? बिल्कुल सर, हम लोग को ये नहीं पता था कि यहाँ रास्ता निकलेगा कभी। हाँ। लेकिन हमारे बड़े भैया पंकज मिश्रा जी ने ये करके दिखाया है। हाँ। बहुत गर्व की बात है कि आजकल हमारे यहाँ गाड़ी घोड़ा आ जाता है। अच्छा, गाड़ी घोड़ा आ जाता है जी सर। तो चलिए प्रधान जी, हम लोगों को दिखाते रहिए रास्ता भी कहाँ से वो चीज था। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये ग्राम सभा है, और प्रधान जी ने जिस प्रकार से, मैं एक वही चीज कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देखिए वो रास्ता है, इधर से रास्ता, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इधर से रास्ता 4-व्हीलर आने जाने के लिए बनेगा, और कैसे प्रधान जी ने इस मृतक
को तोड़ करके, रूढ़ी को तोड़ करके देखिए गांव में सबसे बड़ी क्या होती है कि समस्या ये होता है लोग विकास में कैसे बाधक बनते हैं, इधर बढ़ जाएं, रोड पर बढ़ जाएं, ऐसे ऐसे तमाम लोग करते हैं, और रोड पर नहीं तो ला करके वो बांध देते हैं, गाय भैंस को भी बांध देते हैं, तमाम तरह की उस तरह से करते हैं। लेकिन प्रधान जी ने जिस प्रकार से किया है, देखिए ये रास्ता, जरा उधर कैमरा कहेंगे फेस करके, भैया उधर दिखाओ आप कि उधर से देखिए, ये रास्ता अब आएगा गांव में, और गांव के लोग धूमधाम से शादी ब्याह जो भी होगा करेंगे, और दरवाजे तक अब चार चक्का आ जाएगा। इस तरह से ये सब चीज़ है विकास के लिए। तो प्रधान जी देखिए, देखिए भैया दिखा दीजिए, देखिए किस तरह से रास्ता इन्होंने, प्रधान जी ने बनवा दिया है। यहाँ पे जो है ये काफ़ी छप्पर थे, हाँ हाँ, और कुछ कच्चे मकान भी बने हुए थे, हाँ हाँ। सबको सहमति करके छप्पर, हाँ, को यहाँ हटवाया गया, और जो भी जितने भी अवरोधक थे, हाँ हाँ, सबको JCB बुला के हटाया गया, हाँ। एक यहाँ पे बीचों बीच रास्ते में कोल्हू भी था, अच्छा अच्छा, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हाँ हाँ हाँ, इस कोल्हू को भी बीचों बीच रास्ते में था, उसको निकलवा के यहाँ रखवा के इसको हम रास्ते के निर्माण यहाँ। प्रधान जी जैसे आपने बताया, मैं भी देख लिया, रास्ता इस तरह से हो गया, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ अधिकांशतः गांवों में 98% जी 98% ऐसे गांव होंगे जहां पर आप जाएंगे रास्ता बनवाने के लिए, चाहे कुछ पहले ही विवाद खड़ा हो जाता है। कुछ प्रधान तो जैसे ऐसे बात मुझे कह लेने दीजिए, कुछ जैसे 10 प्रधान के बीच में उनको बोलते हैं, भोजपुरी में लोग कहते हैं चमचा, तो कुछ प्रधान के लोग होते हैं कुछ इस तरह से, मतलब जो रहते हैं, तो आपके सामने वैसी तो समस्या नहीं उत्पन्न हुई? देखिए चुनौती तो थी हमारे सामने, लेकिन हमारे अंदर जब जज्बा है किसी चीज़ को हम करेंगे, हाँ, तो उस जज्बे के साथ हम यहाँ कदम रखे, हाँ, और हमारे जितने भाई बंधु खड़े हैं, हाँ, इन सब से सहमति लेकर के, हाँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आप निपटाना चाहते हैं तो इस, हाँ, दुनिया में असंभव नहीं है, हाँ, सब कुछ संभव है, हाँ, लेकिन कोई भी चीज़ प्यार से किया जाता है। संभव तभी हो सकता है जिस दिन प्रधान चाहे अपना आदमी हो चाहे गैर आदमी हो, दोनों को बराबर दर्जे से देखना चालू कर दे, और जायज और नाजायज, सीधा हमारा ही आदमी हो अगर नाजायज कर रहा है उसको डांटेगा कि तुम करोगे हमसे, तुमसे नहीं मतलब है, तभी हो सकता है। तो इस तरह से भी आपके सामने आया था? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ था, लेकिन हम लोग ठान लिए थे कि रास्ता बनेगा। भाई अगर रास्ता नहीं है तो उस गांव में विकास कैसा? विकास कैसा? मकान आप बना लिए हैं, हाँ, मकान तक गाड़ी नहीं पहुंचेगा, हाँ, तो कैसा ग्राम सभा है? हाँ, मैं तो नहीं समझता हूं कि उस गांव कोई विकास हुआ है, हाँ, जहां पे रास्ता ना हो, हाँ, 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 क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी रात में पड़ गई, एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ी, हाँ, तो एम्बुलेंस तो दरवाजे तक पहुँचना चाहिए ना, तभी विकास संभव होगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस प्रधान जी से एक सीख लीजिए, सारे जो ग्राम प्रधान हैं आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वर्तमान में प्रधान हैं चाहे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे प्रधानों से सीख एक लेनी चाहिए कि अपने ग्राम सभा में कैसे विकास करना है, कैसे लोगों की मदद करना है। इन्होंने इतना रिकॉर्ड बना दिया है कि पूर्व में जो भी शासनकाल हुआ करता था, एक परिवार में करीब 60 सालों तक प्रधान ही रहा, और हफ्ते में 4 बार आ जाते थे 100 नंबर, लेकिन अब 6-6 महीने गुजर जाते हैं, संभवतः 100 नंबर पुलिस भी नहीं आती है विवाद के लिए। वो क्या आपने कर दिया? देखिए क्या है कि अभी तक जो होता था, जैसे दो पक्ष लड़ाई कर लिए तो उसमें कह दें कि आप चलिए थाने पे, आप चलिए थाने पे, अगर लड़ाने की मानसिकता रहेगी तो दिन प्रतिदिन पुलिस आती रहेगी। अगर उस भावना में आप नहीं हैं, दो भाई अगर विवाद कर रहे हैं, पंचायत के द्वारा अगर आप बैठा के उसका निस्तारण कर दे रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कोई प्रशासनिक मदद लेगा। प्रशासनिक मदद तब मिलेगी जब पंचायत से नहीं मानेंगे, गलत कर रहे हैं, प्रशासन का भी सहारा लिया जाएगा। अभी मैं आपको एक नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। चलिए दिखाइए। अभी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये कच्चा मकान है, यहाँ पे करीब 5 परिवार के लोग रहते थे, और आज तक इनको पक्का आवास न बन पाया था, न तो किसी ने इनको पक्के आवास के लिए कभी कोई आवेदन करवाया था। तो ये जो कच्चा आप मकान देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गिर चुका है। ये एक सामने कच्चा मकान जो देख रहे हैं अंदर, ये पूरे रूप से गिर चुका है, कच्चा मकान है और जर्जर भी है,
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चले चलिए चलिए, देख लीजिए ये प्रधान जी ने जिस प्रकार से घर काफी मकान गिर चुके हैं और जो भी बचा हुआ है अभी ये गिरने वाला है। तो हमने जो है इनका जो है आवेदन करवाया माननीय मुख्यमंत्री आवास, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने इन लोगों को जो है 4 आवास आवंटित किए, जो कि सारे नए आवास जो है इस समय हमारे ग्राम सभा में बन रहे हैं। हम आपके कैमरा मैन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। एक आवास यहां पे बन रहा है, ये 4 परिवार के लोग थे, एक आवास यहां बन रहा है। हां जी, ये जो आवास मुख्यमंत्री आवास बनवा रहे हैं, एक मेरे जेहन में बात आ रही है और लगभग वो सही है कि मैं देखता हूँ हर जगह कमीशन चलता है, 10% आवास के लिए कमीशन प्रधान ले लेता है, सेक्रेटरी मिल करके 10% का, सीधे सीधे हमें लगता है 2.5 लाख रुपया अगर होगा तो कहेंगे लोग कि 40 से 50 हजार रुपया भैया तू दे दा पहले जी, जी। तो ये मकान में आपने ऐसा तो कुछ बिना, नहीं किया है, बिना किसी घूसखोरी के इन लोगों का आवास आया है। अगर कोई ग्राम प्रधान अगर इन लोगों से 30-40 हजार रुपये वसूल लिया, माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1,40,000 रुपया मिलता है, तो अगर 40,000 आप इनसे वसूल लेंगे तो बेचारे बनाएंगे क्या? आजकल 1 लाख रुपये में मकान बनना संभव है? तो ये गलत चीज़ है। हम आपके चैनल के माध्यम से अन्य प्रधानों को भी कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार की योजना है 100% गाँव में पहुँचाए बिना घूसखोरी के, तभी गाँव का विकास संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं है। चलिए भैया, तभी विकास होगा जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ, और बाकी तो प्रधान जी ने बता ही दिया किस प्रकार से अपने गांव सभा में विकास किए हैं, और सभी प्रधानों को ऐसे ही नजीर पेश करना चाहिए। बाबा का नाम पड़ी आपका? पाचू राम पड़ी। ये मकान आपे को बना था? हाँ, मेरे लड़के पाए हैं भाई कॉलोनी है। अच्छा, कॉलोनी में पाए हैं, आवास पाए हैं। अच्छा, आपके लड़का पाए हैं? के बनवावत है? लड़की बनवावत है। सरकार के प्रधान जी आवास दिला रहे? कैसे प्रधान जी दिला रहे हैं? कुछ लेबो किए रहे का? नहीं, कुछ ले ना है भैया। अरे बहुत कुछ प्रधान मांगत है वो? नहीं नहीं, कुछ ले ना है। का माँ, हम सब गरीब मनई यही, हमसे काले ही पर्दे रही। सही बात है, खुद दे वाला है। प्रधान बढ़िया है यहाँ का? बहुत अच्छा बढ़िया है। रोज दिखाई देते है गाँव में? रोज दिखाई, रोज प्रतिदिन उठ भे सामने है। हृदय से भैया देखिए, कोई बनावटीपन नहीं है और सभी लोग, चाहे बाबा हो चाहे अम्मा हो, सभी लोग गांव वाले जो भी है, हमने हकीकत ये नहीं कि कोई बनावटीपन हो, लेकिन ये सत्यता है कि कहीं ना कहीं कुछ जरूर ईमानदारी होती है, तभी आज आज़ादी के बाद जो भी है यहां पर रास्ता आने जाने के लिए 200 परिवार जो हैं इधर जाते थे उनके दरवाजे तक किसी तरीके से साइकिल से पहुंच पाती थी, ना कि फोर व्हीलर और मोटरसाइकिल, तो दूर की बात है, छोड़िए। दोस्तों, इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि उन प्रधानों तक, उन भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचे कि एक ग्राम सभा में कैसे विकास किया जा सकता है, और ग्राम प्रधान को तभी जा करके डीएम साहब सम्मानित करते हैं। आज तक कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ जौनपुर से राजन उजा की रिपोर्ट। धन्यवाद।